हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? कुशल से होंगे गाइज। आज की वीडियो में हम मंत्रिमंडल के कुछ नाम और ला रखे हैं, 16 से लेकर 20 तक हैं। कल की वीडियो में हमने 1 से लेकर 15 तक के मंत्रिमंडल के नाम मेंशन किए थे, और आज की वीडियो में भी हमने कुछ मेंशन किए हैं। देखिए 16 से लेकर 20 तक हैं गाइज। हमारे पिछली वीडियो कल की वीडियो है हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, और आप वहां से आप उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। टोटल मिला के 30 मंत्रिमंडल के नाम से, ठीक है गाइज। जो ये मंत्रिमंडल हैं ये मोर इम्पोर्टेंट हैं, आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में हर कहीं ये 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। आप इनको कंटेस्ट कीजिए और इनको देखिए और इनको समझिए। आप हमने इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है याद करने की, कुछ देखिए इसमें गाइज। अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? कौन है? गिरिराज सिंह। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इनकी फोटो देखिए, ये हैं गिरिराज सिंह, और इनको जो बोलते हैं ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती गांव के मंत्री बोला जाता है इनको। अब इसके बेहिब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 वाले क्वेश्चन को देखिए। वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने? वर्तमान में उड्डयन मंत्री कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है, ठीक है। ठीक है गाइज, ये हैं और उड्डयन मंत्री के, कौन से मंत्री? उड्डयन मंत्री ये हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वर्तमान इस्पात मंत्री कौन है? वर्तमान में जो इस्पात मंत्री बने हैं वो कौन है? कौन है? रामचंद्र प्रसाद सिंह। इसमें आप पीछे सिंह भी लिखा है। रामचंद्र को कैसे याद करोगे? जिसने रावण की हत्या की, रामचंद्र, वो कौन से मंत्री हैं? इस्पात मंत्री, रामचंद्र प्रसाद जो हैं इस्पात मंत्री है। ये मोर इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसको देख लेना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं? जो इस बार रेल मंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? नए रेल मंत्री कौन बने हैं? वीरेंद्र कुमार। कौन बने हैं? वीरेंद्र कुमार। इनको जो है रेल मंत्री के साथ साथ इनको संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री भी बोला जाता है, ठीक है गाइज। इनको कौन सा मंत्री बोला जाता है? रेल मंत्री और संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री भी कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये है तुम्हारा वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? कौन है? पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बोला जाता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान जल शक्ति मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को जो है जल शक्ति मंत्री कहा जाता है। गज का मतलब होता है बादल, इसकी वजह से आप याद कर सकते हैं जल मंत्री करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है? कौन है? किरण रिजिजू। इनको बोला कानून और न्याय मंत्री कहा जाता है, ठीक है। किरण रिजिजू को न्याय और कानून मंत्री कहा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे गाइज। ये हमारा 22 क्वेश्चन हो गया। अब 23वां क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। 23वां क्वेश्चन जो है वर्तमान विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह जो है वर्तमान में विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री चुने गए हैं, ठीक है। 23 वाला क्वेश्चन ये रहा। और अब हम ऐसे ही 24 वाले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा 24 वाला क्वेश्चन रहा, देखिए गाइस हमने हर किस्से में फ़ोटो को मेंशन करके रखा है, देखिए उनकी आप शक्ल भी पहचान सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्तमान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? कौन है? देखिए इस और इनको ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इनको कौन कौन से नाम दिए जाते हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हो गए, आवास मंत्री हो गए, और शहरी मामलों के मंत्री भी हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 25 वाला। वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन ऊर्जा उर्वरक मंत्री कौन है? उर्वरक मंत्री कौन है? मनसुख मंडविया।
क्या ये एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि वर्तमान खाली स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ऐसे भी आ सकता है, परिवार कल्याण मंत्री कौन है, रसायन मंत्री कौन है, उर्वरक मंत्री, कोई सा भी आ सकता है, वहाँ क्या लिखोगे आप? मनसुख मंडाविया ही लिखोगे, ठीक है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री कौन है, इनको परिवर्तन करने वाले मंत्री कौन है, और श्रम रोजगार मंत्री कौन है तुम्हारे? भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। इसको कैसे याद करोगे बताओ, ठीक है। इसका पर्यावरण भूमि है, भूपेंद्र भूमि, भूमि पर्यावरण बनेगा, भूमि जलवायु कहाँ होगी? पृथ्वी पर ही होगी ना, इसलिए इसको इस नाम से याद कर लो, भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 27 वाला। वर्तमान केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री कौन है? भारी उद्योग मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे, ये जो है भारी उद्योग मंत्री के नाम से जाने जाते हैं इनको, ठीक है। गाइस अब हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये 27 वाला क्वेश्चन रहा। अब 28 वाला क्वेश्चन देखिए गाइस, हमारा 28 वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, वर्तमान मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? कौन है तुम्हारे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका, पुरुषोत्तम रूपाला। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 वाला क्वेश्चन देखिए, सूचना और प्रसारण मंत्री युवा मामले के मंत्री कौन है? कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब ऐसे ही 30 वाला क्वेश्चन देखिए, 30 वाला क्वेश्चन, वर्तमान संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? कौन है? ऑप्शन नंबर ए जी किशन रेड्डी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ठीक है गाइज, इनको आप रट लीजिए, जैसे भी आप आपसे याद होता है इनको याद कर लीजिए, ये मोर इम्पोर्टेंट है गाइज, ठीक है। और गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, आप सभी लोग को धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए, और आप ऐसे देखते रहिए हमारे वीडियो को और शेयर भी करते रहिए। जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच रखी है उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस नॉलेज ले सके, देश के बारे में कौन मंत्रिमंडल कौन बना है नया, वर्तमान में कौन है, सब नॉलेज ले सके, ठीक है। ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको कल की, ठीक है। ऑल थैंक्स गाइज।